तू। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। दो बूंद भाई ये चेक करियो भाई, मीठी तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं। हेलो पापा, आपने जो सुसु का सैंपल दिया था ना शुगर चेक कराने के लिए, आपको बिल्कुल भी शुगर नहीं है, आप एकदम ठीक हो। मैंने चेक करा लिया सैंपल। एक बात बताओ, क्या हफ्ते वाले दिन फारिग है? फारिग को। जुम्मे वाले दिन फारिग है? फारिग को। जुमेरात वाले दिन फारिग है? फारिग को। पागल के बच्चे कोई काम धंधा क्यों नहीं कर रहा भाई? किसी ने क्या खूब कहा है? अरे कहा होगा, तू अपना काम करना। एक बात बतावे, तू आदमी है या इंसान? इंसान हूँ भाई मैं तो। सोच ले, बीच वाले भी इंसान होते हैं। आदमी हूँ भाई, आदमी। हाँ आदमी, आदमी।你别笑，啊，作业转一下眼睛吧。ए औकात मेरे अपनी, मुझे पता है तू किसका नौकर है, किसके इशारों पे नाचता है तू। ए दीदी पे मत जाना। भाई तू इतना बड़ा हो गया, शादी वादी क्यों नहीं कर लेता? भाई रिश्ते वाले ही नहीं आते। अबे इतनी पी क्यों थी जो अपना होश ही खो बैठा? भाई मजबूरी में। क्या मजबूरी थी? बोतल का ढक्कन खो गया था भाई। मैं आज बिहार के पैकेज की घोषणा यहीं से करना चाहता करूं। करूं। कदरदान पान दान उगाल दान थूक दान कमीनों का खानदान, आए जरा एक नजर इधर भीम मेरी जान। ये सांडे का तेल है, सांडे का तेल, तेल एक कारनामे अनेक, दिल में खोट हो या बदन में चोट हो, जख्म नया हो या पुराना, बस एक बार इस तेल को लगाना। और एक खास बात मेरे दोस्तों, तेल बेचने वाला कोई आम आदमी नहीं, ये तो करोड़पति सेठ रंजीत राय का बेटा है, बेटा है, बेटा है। तो अब ये उस करोड़पति बाप का बेटा। हराम खोर, बेहया, बेशरम, तू मेरे ऑफिस के सामने इस कमीने के साथ मिलकर सांडे का तेल बेच रहा है। हेलो हेलो, एक सेकंड रुको, यहाँ से बाहर जाने पर लैंडलाइन से कॉल क्यों कर रहे हो? एक सेकंड मम्मी 2 मिनट में आ रही हूँ मैं। हाँ घर पे ना आज सारे, और तुम जरा होल्ड कर लो, मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है। हाँ अब बोलो। ये मम्मा को फोन कर रहा था, तेरी पापा भी नहीं उठा रहे, कहाँ पे हैं ये मौसा? हाँ ये कैसे बोल रहे हो आप? क्यों तू क्यों नाराज हो रही है भाई? आपको फोन करने की तमीज नहीं है क्या? आपको ये नहीं पता फोन पे कैसे बात की जाती है? हेलो। कोरोना वायरस की वबा खतरनाक है और जानलेवा हो सकती है। रख रख तेरी माँ की, रख, ये तो इधर जान जा रही है। भाई तेरी वीडियो ने टिकटॉक पर आग लगा दी। क्या बात कर रहा है भाई? हाँ भाई फिर तो मेरा अकाउंट भी चल गया होगा। कोई ना भाई, कोई ना, अपन दूसरा अकाउंट बना लेंगे। इतनी मुश्किल से 15 फॉलोअर हुए थे यार। कोई ना, अपन दूसरी अकाउंट। ए पतिदेव बोलो क्या काम है? काम कुछ नहीं, बस उंगली की ताकत चेक कर रही थी। अच्छी और समझदार बीवी दुनिया के हर कोने में मिलेगी। कौन से कोने में भाई, दुनिया तो गोल है। इन लोगों से कागज पर इनके अंगूठों के निशान ले लूं ठाकुर? अभी नहीं, पहले इन लोगों को हराम की खाने की आदत पड़ने दो, उसके बाद। सास बार बोल रहे हैं है? पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। बहुत ही बढ़िया हिसाब हो गया था उसका, वो क्या जा रहा? क्या कह रहा? क्या बात भाई, सांप की कांज ली पहन ली, क्यों पूरा सांप लग रहा? इतनी ठंडी क्यों है? अब्बा जो थे हमारे वो फ्रिज खोल के चले गए थे तो ठंडी बढ़ गई।
भाई साहब हम पूछ रहे ठंडी का क्या चुती है। अरे अजीब बेवकूफी वाली बात सवाल कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा हम हिमालय में जो है बर्फ घिस दिए हैं कि सर्दी पड़ गई। अरे अरे देशमुख साहब, ये तो पैदाइशी नेता है, 15 अगस्त को सरकारी अस्पताल में पैदा हुआ था, आजादी का दिन बड़े जोर शोर से मनाया जा रहा था। ओए, कभी याद नहीं आती मेरी, क्या बेबसी। कौन है तू? सारी दुनिया चांद पे जात है, हम सीधा सूरज पे जाप। नहीं नहीं बेटे, सूरज तो बहुत गर्म होता है, वहाँ आग ही आग है। अरे खातिर तो हम फैसला किए हैं कि हम सूरज में दिन में नहीं, रात में जाओ रात में। अब बड़ी कलेजे में ठंडकते हैं।